मुकाबला 28 अक्टूबर को 11वीं जूनियर महिला हॉकी का सेमीफाइनल सुबह 9 बजे से हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच सेमीफाइनल मैच, दोपहर 3 बजे झारखंड और महाराष्ट्र के बीच सेमीफाइनल मैच होने हैं। 29 अक्टूबर को खेला जाएगा फाइनल मैच। दोपहर 3 बजे झारखंड और महाराष्ट्र के बीच सेमीफाइनल मैच का महामुकाबला होगा। 29 अक्टूबर को खेला जाएगा फाइनल मैच। और रुक करेंगे सिमडेगा का सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, 29 अक्टूबर को महामुकाबला होना है, फाइनल मैच खेला जाना है और झारखंड की जो टीम है, जो बेटियां हैं, वो अपना पसीना एक कर रही है मैदान में। कल सेमीफाइनल मैच खेला जाना है। कल का पहला सेमीफाइनल मैच जो है चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच होगा, जो कि बहुत कांटे का टक्कर होगा, क्योंकि पिछले बार मार्च में जो चैंपियनशिप आयोजित हुआ था सब जूनियर का, उसमें हरियाणा खिताब अपने नाम की थी, तो निश्चित रूप से हरियाणा चंडीगढ़ को हरा कर फाइनल में प्रवेश करने के मनसा के साथ इस मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरा मैच जो है जो दोपहर 3 बजे से होगा, वो झारखंड की बेटियां महाराष्ट्र के साथ खेलेंगी। झारखंड की बेटियों ने क्वार्टर फाइनल में जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया, वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र को एक कांटे का टक्कर देगी। और पिछले बार हरियाणा के साथ झारखंड की बेटियों ने खेला था फाइनल, तो इस बार निश्चित रूप से झारखंड की बेटियां फाइनल में प्रवेश करने की जीतोड़ मेहनत करेंगी। और जिस तरह से आज ऑफ डे में भी झारखंड की बेटियां इस मैदान में पसीने बहाते दिखी, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड बेटियां निश्चित रूप से पूरे खिताब पर अपना कब्जा जमाने का जज्बा लेकर कल ये मैदान में उतरेगी और फाइनल में जाएगी। और फाइनल में भी झारखंड की बेटियां पूरी शेरनी की तरह इस मैदान में दहाड़ेगी और निश्चित रूप से खिताब अपने नाम करेगी। हमारी भी यही कामना है कि झारखंड की बेटियां पूरे खिताब पर अपना कब्जा जमाए, सिमडेगा का नाम, झारखंड का नाम पूरे विश्व स्तर पर रोशन करें। जी बिल्कुल आशीष, हमारी भी शुभकामनाएं झारखंड की बेटियों के साथ है। जिस तरीके से वो पसीने बहा रही हैं मैदान में, कड़ा मुकाबला होना है। 28 अक्टूबर को 11वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का सेमीफाइनल होना है और 29 तारीख को फाइनल मुकाबला होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।